के संभावित खतरे से निपटने के लिए आज देशभर के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। कोरोना के मद्देनजर आज प्रदेश के अस्पतालों में भी की गई मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किसी प्रकार के संसाधनों की नहीं कोई कमी। क्षेत्र में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें अधिवेशन में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने की शिरकत। कहा, भारतीय भाषाओं में हो अदालत में बहस। और संसद की तर्ज पर आज हरियाणा विधानसभा में दोपहर भोज में परोसे गए मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कदम उठाएगी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड 19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कोविड 19 को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं उसकी जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों की पालना करें। हरियाणा सरकार कोविड 19 को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पंचकुला से पोर्टल के माध्यम से पूरे हरियाणा में अस्पतालों द्वारा मॉक ड्रिल के तहत अपडेट किए गए डाटा की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किसी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं है। यो यहीं से ही सारे हरियाणा का देखा जा सकता है। वो 4 बजे तक एंट्रियां भरनी है, काफी हॉस्पिटल्स ने भर दी है, वो मैंने देखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास हर जिले में RT-PCR मशीन है टेस्टिंग के लिए। 22 जिले हैं, 26 मशीनें हमारी फंक्शनल हैं। हमारे पास PSA प्लांट है, 50 बेड से अबाव जितने अस्पताल हैं सारों में हमने PSA प्लांट लगाया। 101 PSA प्लांट हमारे फंक्शनल हैं। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे पास सिलेंडर्स हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज PGIMS रोहतक में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान संस्थान में कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। PGIMS के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ईश्वर सिंह की देखरेख में ये मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान आइसोलेशन बेड जैसे बिस्तर क्षमता, ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट वाले बेड आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर PGIMS में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तैयारियां हैं वो फुल हैक नहीं है, उसी को देखने के लिए है कि मॉक ड्रिल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो सूडो पेशेंट हैं उनको लेके आए हैं विदाउट नोइंग, तो ताकि हमारा जो ट्राइज एरिया है वहाँ पर जो है सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। ट्राइज एरिया के बाद में यदि पेशेंट्स ICU में जाता है, डे केयर में जैसे हमारे पास ICU बेड थे तो वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। जो हमारा जो स्टाफ है, क्योंकि काफ़ी दिन से करीबन 1 साल से कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, तो लोग जो है ट्यून नहीं हो रहे हैं, तो उसकी ट्यूनिंग हो जाए, पेशेंट आ जाए तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर हों और हमें पता भी होगी क्या करना है।
भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आज कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से कोरोना संक्रमण से निपटने हेतु की गई तैयारियों की गहनता से जांच की गई, जिसमें ट्रॉमा सेंटर से लेकर आइसोलेशन वार्ड और मरीज को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने तक की व्यवस्थाओं की प्रक्रिया अपनाई गई। जिला कोविड निगरानी अधिकारी डॉक्टर दीपक ने कहा कि जिले में निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल 461 ऑक्सीजन युक्त बेड और 49 वेंटिलेटर व कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए 26 एम्बुलेंस चालू स्थिति में है। उन्होंने बताया कि जिले की 22 पीएचसी, 7 सीएचसी व 3 सब डिविजनल अस्पतालों में कोविड मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही जिले के 15 निजी अस्पतालों को भी कोविड ट्रीटमेंट के लिए चिन्हित कर वहां बेड आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पूर्ण रूप से कोविड से निपटने के लिए तैयार है। हमारे डेजिग्नेटेड कोविड मैनेजमेंट सेंटर हैं, वहाँ पर मॉक ड्रिल सुबह से चल रही है। मैं आपको आंकड़ों की बताना चाहूँ तो हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में 22 पीएचसी हैं, 7 सीएचसी हैं, 3 सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, 1 किशनलाल जलान हॉस्पिटल है, 1 ईएसआई हॉस्पिटल है, 1 अपना सिविल हॉस्पिटल और 15 प्राइवेट हॉस्पिटल लिए हैं इसमें। इनमें अगर हम बेड की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो सपोर्टेड आइसोलेशन बेड हैं वो टोटल ज़िले में 461 हैं, और हम वेंटिलेटर की बात करें तो हमारे पास 32 वेंटिलेटर सिविल हॉस्पिटल में है और 17 वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल में। टोटल अपने पास 49 वेंटिलेटर की सुविधा भिवानी ज़िले में अभी हमने की है। तो यहाँ मास्क लगाने के लिए सबको कहा जा रहा है, और इसके अलावा कोविड के लिए सारे जो है कि भाई जो है खांसी वगैरह हो तो ध्यान रखना है, जुकाम हो तो ध्यान रखना है, बताना है, और इस किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की यह नहीं मिलता है, बुखार वगैरह चढ़ रहा है तो ज़रूर चेक कराना है। खास तौर से बड़े जो शरीर वाले हैं, बड़ी उम्र वाले हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। नूह जिले के अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल में अपनी सभी तैयारियों को जांचा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरबजीत थापर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी सुविधाओं से लैस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सा ऑक्सीजन और बिस्तर की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर और टीकाकरण करवाकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। पूरी तैयारी है, यदि कोई भी कोरोना ऑपरेशन भगवाना करे ऑपरेशन कोरोना हो कोई आ जाता है तो हम पूरे तैयार हैं, सजग हैं, हमारी टीम पूरी प्रिपरेशन की हुई है, हम सब की ट्रेनिंग करवा दी है, और कैजुअलिटी में और आईसीयू में सारे इक्विपमेंट्स ऑक्सीजन सब कुछ सही है, ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास है और ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से रखाए हुए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, तो हमारे पास पूरी तैयारी है, यदि कोई पेशेंट आ जाता है उसको कोई भी दिक्कत हो हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवद गीता सदन में कल शाम अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। इस अधिवेशन के पहले सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य रूप से शामिल हुए। 3 दिवसीय अधिवेशन में सभी प्रदेशों से लगभग 5,000 अधिवक्ता हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि अदालतों में उपयोग की जा रही भाषा सरल हो, इसके लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं में अदालत में बहस हो। भाषा बहुत प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर जिसको न्याय, जिसके लिए न्याय लड़ रहे हैं, जिसको न्याय चाहिए उसका समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है कोर्ट में, तो ये बहुत दुख का विषय है। इसलिए मैंने मोदी जी का सोच को आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय भाषाओं में हमारे कोर्ट्स में बहस होना चाहिए। संसद की तर्ज पर आज हरियाणा विधानसभा में दोपहर भोज में मिलेट परोसे गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए हम जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरा सर्दियों में 3 महीने तक उपलब्ध करवाया जाता था, अब इसे 5 महीने उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों में जहाँ सामूहिक भोजन बनता है वहाँ भी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष व आयुर्वेद में डायटिशियन के कोर्स में भी मोटे अनाज को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कार्य करेगी। ये स्वाभाविक है
मिलेट का खाने का अभ्यास लोगों का जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अभी जो चीज़ें देखने जा रही हैं केमिकल्स के द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो दुष्परिणाम होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कम होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से दूर होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव आता है कि बीमारियों को दूर करने के लिए बीमार होने के बाद अगर हम खाना पीना अपना ठीक कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमारा जो है खाने पीने ठीक खाने पीने से, मिलेट जैसे इस प्रकार के मोटे अनाज से, ऑर्गेनिक जो हमारी फसलें हैं उसके उपयोग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। हम हरियाणा में इस प्रकार के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। हमारे जो वेलनेस सेंटर्स हैं लगभग 1000 वेलनेस सेंटर्स अब जल्दी पूरे हो जाएंगे। वहाँ पर आयुष के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम वहाँ की जो डाइटिशियन के कुछ कोर्स करने के बाद लोगों को आग्रह करेंगे कि अपने खाने पीने का जो स्वभाव है, अपनी आदतें, अपना व्यवहार उस नाते से वो ठीक करें ताकि बीमार होने से भी बचें। पीडीएस में जैसा अभी तक 3 महीने हम बाजरे का और मक्के का ये जो वितरण करते थे उसकी जगह 5 महीने के लिए तय किया है कि इस वर्ष से 5 महीना जो सर्दियों के महीने हैं इन 5 महीनों में बाजरा मक्की ये भी पीडीएस पर बांटा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी देने का हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग के अध्यक्ष आरएस मलिक ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया था और अब इसमें संशोधन को मंजूरी देकर प्रधानमंत्री ने सभी सेवानिवृत्तों की उम्मीदों को पूरा किया है। 1,35,000 मेंबरान की तरफ से गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने OROP का रिवीजन लागू कर दिया है। ये हमारी बहुत दिन से इंतज़ार थी, पहले OROP लागू करवाने की इंतज़ार रही। 2014 में मोदी साहब ने प्रोमिज किया था, आने के बाद उन्होंने 2015 से OROP लागू कर दी। अब 2019 में उसका रिवीजन भी इन्होंने ही किया है। हरियाणा के हमारे 1,35,000 मेंबर्स की तरफ से मैं गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का, इसके दूसरे कैबिनेट मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो ये एक उम्मीद फौजियों की पूरी की है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए आज देश भर के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। कोरोना के मद्देनजर आज प्रदेश के अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किसी प्रकार के संसाधनों की नहीं कोई कमी। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 16वें अधिवेशन में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने की शिरकत। कहा भारतीय भाषाओं में हो अदालत में बहस। और संसद की तर्ज पर आज हरियाणा विधानसभा में दोपहर भोज में परोसे गए मिलेट। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कदम उठाएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।